बिग एंड बोल्ड स्टोरी ये कि एक्टर गोविंदा को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उनकी थ्योरी पुलिस को हजम नहीं हो रही है। चार शक ऐसे हैं जिनका सच जानने के लिए गोविंदा के कमरे से लेकर उनकी रिवॉल्वर तक की स्टडी की जाएगी। गोविंदा से सवाल जवाब होंगे और इसी के बाद पता चलेगा कि उनकी रिवॉल्वर से जो गोली चली, क्या वो वाकई गलती से चल गई गोली थी या इसमें किसी तरह की साजिश है जिसके बारे में गोविंदा ने अब तक बताया नहीं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सर की तबीयत अभी ठीक है, अभी आज उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग, तो उनसे बहुत बेहतर है। पुलिस सूत्रों से मिल गई जानकारी के मुताबिक पुलिस जो है वो गोविंदा के बयान से संतुष्ट नहीं है। ईश्वर की कृपा से इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एक दो दिन में तीन दिन में जो है उनकी छुट्टी जो है यहाँ से हो जाएगी। गोविंदा को गोली मिस फायर होकर लगी या इस स्टोरी में कोई झोल है? हादसे के वक्त गोविंदा कमरे में अकेले थे या उन पर किसी की नजर थी? गोविंदा के गोली कांड की जाँच अब इसी एंगल के आधार पर होगी। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो चुके गोविंदा से नए सिरे से पूछताछ होगी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के सवाल होंगे, गोविंदा के जवाब होंगे और फिर उसके बाद गोविंदा के दोनों बयानों को मैच किया जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो गोविंदा फायरिंग केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिल गई जानकारी के मुताबिक पुलिस जो है वो गोविंदा के बयान से संतुष्ट नहीं है। पुलिस को इस मामले में अभी भी कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। इस वक्त गोविंदा जो है वो मुंबई के इसी अस्पताल में भर्ती है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिवॉल्वर जब नीचे गिरी तो वो खुद ब खुद ट्रिगर कैसे हुई, उसका ट्रिगर का बटन कैसे दबा। इसको लेकर के गोविंदा ने जो जवाब दिया उससे मुंबई पुलिस संतुष्ट नहीं है, ऐसी जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं। आमतौर पर मिसफायर तब होता है जब या तो गन को साफ करने में दिक्कत आ जाए या उसे ठीक से नहीं रखा जाए या फिर ट्रिगर गलती से दब जाए, लेकिन गोविंदा का दावा इन सब से अलग है। गोविंदा के मुताबिक वो रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे तभी वो हाथ से छूटी और जमीन पर गिरते ही मिसफायर हो गया, जिस पर पुलिस को शक है कि नीचे गिरने से रिवॉल्वर खुद ट्रिगर कैसे हो गई। गोविंदा का कहना है उनके पैर में खुद से एक गोली लगी। पुलिस ये जानना चाहती है रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी, उनमें से सिर्फ एक फायर कैसे हुई। गोविंदा का दावा है रिवॉल्वर बहुत पुरानी है, वो सिर्फ चेक कर रहे थे। पुलिस को ये समझ नहीं आया कि अगर गोविंदा रिवॉल्वर घर रखकर जाने वाले थे फिर लोडेड क्यों थी। गोविंदा का ये भी कहना है रिवॉल्वर सिर्फ सुरक्षा के लिए है, जिस पर पुलिस ये जानना चाहती है अपने कमरे में उन्होंने रिवॉल्वर से बुलेट्स निकाल कर क्यों नहीं रखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिवॉल्वर हाथ में रहते ही फायर हो गई हो या फिर इसकी वजह कोई और हो। खास तौर से जो पूरा सीक्वेंस है इवेंट्स का, उसकी जानकारी के लिए, उसकी जांच के लिए मुंबई पुलिस इस मामले में एक्सपर्ट्स की मदद ले गई है और जो स्पॉट पंचनामा है उससे बड़ा खुलासा हो सकता है, ऐसा मुंबई पुलिस को उम्मीद है। मुंबई पुलिस को उम्मीद है कि जिस एंगल से गोली चली है और घुटने के नीचे जो लगी है उसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है, कोई एक अहम जानकारी ऐसी है जिसे गोविंदा मुंबई पुलिस से छिपा गए हैं। आखिर वो बात कौन सी है और क्यों वो बात छिपा गए हैं ये भी मुंबई पुलिस जानना चाहती है। गोविंदा की थ्योरी इस तरह के दावे पर टिकी है जिसमें रिवॉल्वर जमीन पर गिरती है और फिर खड़ी रिवॉल्वर से मिसफायर हो जाता है। ये सिर्फ एक सेकंड भर का खेल है, इस दौरान गोली टांग पर लगेगी या कहीं और, ये शख्स के वहां खड़े होने की अवस्था पर डिपेंड करता है। सूत्रों के मुताबिक गोविंदा के खिलाफ शुरुआती जांच में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर गलत या झूठ ठहराया जा सके, लेकिन केस की सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमरे के उस लोकेशन की जांच की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर बैलिस्टिक रिपोर्ट से गोली की दिशा और दूरी का पता किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने गोविंदा की बेटी का बयान दर्ज कर लिया है, जल्दी जांच का अगला स्टेप गोविंदा के घर पर हो सकता है। मुंबई के जुहू इलाके में यही वो अपार्टमेंट है जिसमें एक बंगले में गोविंदा मंगलवार की सुबह जख्मी हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ये फायरिंग की घटना को लेकर के पुलिस ने अब तक जो पूछताछ गोविंदा से की है उसको लेकर और गोविंदा के खास तौर से जो जवाब सामने आया उसको लेकर मुंबई पुलिस संतुष्ट नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब तक जो जांच में जानकारी सामने आई उसके मुताबिक मंगलवार सुबह 4:30 बजे की ये घटना है जब गोविंदा जो है वो अपने घर से कलकत्ता जाने के लिए निकल गए थे, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट जाना था। उसके ठीक पहले वो रिवॉल्वर को सूटकेस में रख रहे थे और तभी वो रिवॉल्वर नीचे गिरी, जिसके बाद रिवॉल्वर खुद से ट्रिगर होकर फायर हुई जिसमें एक गोली चली और वो जख्मी हुए।
गोविंदा को जिस रिवॉल्वर से गोली लगी उसे जब्त कर लिया गया है और जांच होने तक उस कमरे में एंट्री करने से मना किया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बंगले में सिर्फ गोविंदा मौजूद थे। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा राजस्थान गई थी जबकि बेटी टीना पासी की दूसरी बिल्डिंग में थी जो उनका पर्सनल फ्लैट है। गोविंदा की फैमिली की तरफ से किसी तरह की रंजिश और झगड़े से भी इनकार किया गया है। हालांकि ये जानकारी दी गई है कि जिस वक्त गोली मिसफायर हुई तब गोविंदा का ड्राइवर और गोविंदा की पत्नी सुनीता का स्पॉट बॉय बंगले के बाहर थे। इसके अलावा मुंबई पुलिस की तरफ से मिला सिक्योरिटी पर्सनल भी वहीं मौजूद था। उन्होंने ही कंट्रोल रूम को जानकारी दी जिसके बाद गोविंदा को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। गोविंदा अगले 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रहेंगे क्योंकि उनकी पैर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। गोली उनके बाएं पैर में अंदर ही अटक गई थी जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। करीब 2 इंच का घाव गोविंदा के पैर में हुआ। 8 से 10 स्टेपल टाके भी लगाए गए। स्टेपल टाके घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं, इससे सर्जरी का समय भी कम हो जाता है। इसीलिए गोविंदा की पत्नी उम्मीद जता रही है कि गोविंदा पहले की तरह इंटरटेन भी करेंगे और डांस भी कर सकेंगे। सर की तबीयत अभी ठीक है, अभी आज उनको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे हम लोग। उनसे बहुत बेहतर है और कोरोना से कल या परसों डिस्चार्ज भी कर देंगे उनको। सबके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए। मैं बोलना चाहूँगी फैंस लोगों, आप लोग पैनिक मत होइए, सर एकदम ठीक है। कुछ महीने बाद फिर सर डांस वांस करने लगेंगे। इन दिनों गोविंदा के पास फिल्मों के प्रोजेक्ट नहीं लेकिन शिंदे गुट की शिवसेना के जरिए राजनीति में दोबारा एंट्री कर पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए थे। महाराष्ट्र चुनाव में गोविंदा की भूमिका क्या रहेगी इसे लेकर भी गोविंदा डिस्कशन करने वाले थे लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। भैया आप सब लोगों का प्रेम है और हमेशा उनको बहुत प्रेम मिला, ईश्वर की कृपा से इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत अच्छा। एक दो दिन में 3 दिन में जो है उनकी छुट्टी जो है यहाँ से हो जाएगी ऐसा लगता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा की फैमिली श्योर है कि किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी इससे नहीं क्रिएट होने वाली लेकिन पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ना चाहती है। ये समझने की कोशिश में जुटी है कि अगर गोविंदा घर में अकेले थे तो फिर लोडेड रिवॉल्वर जमीन पर गिरकर कैसे उनकी टांग पर ही जाकर लगी, वो भी सुबह के 5 बजे के आसपास। जाहिर है इसका जवाब गोविंदा दोबारा होने वाली पूछताछ में देंगे। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत।